सो गाइज़, अगर आपके बाइक के टैंक में अगर पानी चला जाए, जैसे कल बारिश हुआ उसके वजह से टैंक में पानी चला गया, तो ये जो कार्बोरेटर में जाते हैं पाइप, मेरे पास एक एक्स्ट्रा पाइप था, सो भी मैं पूरा पेट्रोल निकाल रहा हूँ। तो पहले अपने वो पूरा पेट्रोल निकालना है। ऐसे बॉटल बहुत बड़ा है, दिखने में छोटा लग रहा है वाइड एंगल में, तो पूरा पेट्रोल निकालना है। और पानी कैसे अलग करना है वो भी मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में, पूरा डिटेल में बात करेंगे। पानी पेट्रोल बहुत झमेला रहता है ये सब, उसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। सो गाइज, अपन ने इस तरीके से मतलब पेट्रोल निकाल लिया है बाहर। मतलब सबसे पहले मैंने ये बॉटल में निकाला था, इसका देखो पूरा ऑरेंज, एकदम डार्क ऑरेंज है, ये भी एकदम डार्क ऑरेंज है, और ये देखो इसका कलर देखो कितना अलग है। मतलब इसके अंदर पूरा पानी है, जो लास्ट में निकला है ना ये पूरा पानी है। देखो कलर आपको समझ में आ जाएगा, कलर कितना अलग है। इसमें भी पानी है थोड़ा नीचे के साइड में, मतलब ये देखो पूरा कचरा और ये पानी वानी पूरा जमा हो गया। ये देखो पूरा कचरा और पानी है पूरा अंदर, कैसे आ गया क्या मालूम। और इसके अंदर भी देखो पूरा शक्कर जैसा मटेरियल है कुछ तो। ये देखो ये पूरा पानी है। अपने को इन बॉटल को थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना है, जब पूरा पानी नीचे आ जाए। अगर आपके पास एक सिंगल बड़ा कैन है तो अच्छी बात है, उसके अंदर पूरा पेट्रोल निकाल लो। और फिर सिंपल सीन रहता है, जब निकालोगे इसको ऐसा उल्टा करके रख देना है आपको, ऐसा उल्टा, मतलब बड़ा ज़्यादा नहीं, मतलब इतना भी बड़ा बॉटल हो गया फिर भी ऐसा उल्टा करके रख देना है, ताकि पूरा जो पानी है वो नीचे की तरफ आ जाए। इधर पूरा पानी नीचे जमा हो जाएगा और पेट्रोल ऊपर आ जाएगा। तो क्या करना है, सिंपल जब ऐसा हो जाएगा ढक्कन को थोड़ा सा लूज़ करके वो पानी निकालते जाना है ऐसा। अभी देखो नीचे के साइड पूरा पानी जमा हो गया, देखो आप देख सकते हो स्टिकर निकल जाए। देखो नीचे के साइड पूरा पानी जमा हो गया, देखो पूरा पानी है, ऊपर पूरा पेट्रोल है। तो अपने को क्या करना, इसको बाद में थोड़ी देर छोड़ देना है, जब तक पूरा पानी नीचे नहीं आ जाता। आपको दिख जाएगा पूरा पानी जब नीचे आ जाएगा, तो ढक्कन को धीरे धीरे खोलना है, मतलब थोड़ा सा खोल के ऐसा वेस्ट कर देना, मतलब निकाल देना है पूरा जितना भी पानी है ना। आपको लगता है जितना तक पानी है उतना सब निकाल देना है। और गाइस, पानी मतलब पेट्रोल को पानी से अलग करने के लिए ये निंजा टेक्निक है। मतलब पानी पूरा नीचे आ जाता है, देखो ये पूरा पानी है, ये पूरा पानी है, देखो पूरा पानी, देखो कितना सारा पानी निकला है ये देखो पूरा। ये अभी पेट्रोल बचा है थोड़ा थोड़ा, इसके अंदर पानी तो लग रहा है। इसको उल्टा करके रख देना रहता है, फिर पानी नीचे आ जाता है फटक से। तो गाइस अभी पूरा अंदर रस्ट है, पूरा रस्ट इसके अंदर, पूरा टैंक खोला है, टैंक के अंदर पूरा रस्ट जमा हो गया। साफ करेंगे, आवाज़ से कैसा अजीब हो रहा है, देखो पूरा गंदगी आ रहा है पूरा एकदम, देखो काला काला पूरा रस्ट है अंदर। ऐसा मतलब इसी तरीके से साफ करना पड़ता है, कपड़ा डाल के पूरा जो रस्ट वस्ट मट्टी वट्टी जो भी है पानी वो सब निकल के आ जाता है कपड़े में। तो ये ऐसा सब करना पड़ता है साफ करने के लिए, तो टाके को साफ करने के लिए अंदर कपड़ा डालना पड़ता है, और फिर ऐसे थोड़ा निंजा टेक्निक करना पड़ता है। और यही तरीका है मतलब टैंक को साफ करने का, और कुछ जुगाड़ है नीचे पकड़ते करते। इसको पूरा क्लीन करना पड़ता है एकदम, ढिंचक जितना भी मट्टी रहता है वो कपड़े में निकल के आ जाता है, जो भी मट्टी रहेगा इसमें आ गया रहेगा। देखो पूरा पानी वानी भी अगर रहेगा टैंक में, पानी भी जाता है तो ऐसे ही क्लीन करना पड़ता है, तब मट्टी वट्टी पानी वानी पूरा आ जाता है बाहर।